आजकल के गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग प्रिंस चौधरी दिस साइड। और भाइयों क्या हाल चाल, और बढ़िया है ना? तो आप कमेंट करके बताओ यार कैसा क्या सीन है आपका। तो मैं आपको बताऊँ ना, आज का जो सीन में रात का जो राना मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा डेंजरस वाला सीन कि मतलब मैं जो है ना बता नहीं सकता। ऐसा कुछ हुआ ना कि मतलब कल जो है ना आशुतोष के साथ उधर को गए हरौनी, वहाँ की पॉपुलर टिक्की खाई और स्प्रिंग क्या बोलते हैं ये सब खाया, तो बाहर की चीज़ें। तो मतलब वो जैसे मैंने टिक्की खाया मेरा पेट जो है ना बिल्कुल अजीब अजीब मतलब रिएक्शन हुआ, इधर का जो रिएक्शन ही पूरा चेंज हुआ, तो अचानक से पेट दर्द वहीं से हुआ। तो आज का जो पूरी मतलब फर्स्ट टाइम मुझे बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो उधर का जो फिर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा। वो मीटिंग हुई रात में, नहाया रात में 12 बजे, और फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो अभी फिर अभी उठे 7:30 बजे, फिर गाइस इधर को सोवर तो यानी नहा तो लिया, अब जो है ना सोचे भैया की तरफ जाने का, अभी भैया की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जो है ना वीडियो भी अपलोड करनी, भैया से बात भी करना थोड़ा। फिलहाल अभी तो इधर से निकलते घर से और चलते भैया की तरफ, और इधर बैठी हैं मम्मी। मम्मी और क्या हाल? बढ़िया है, बैठी रहो। बाय। का तो अभी बाहर का तो क्लाउडी क्लाउडी है सब, वैसे थोड़ी सी धूप थोड़ी सी छाओ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बढ़िया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। बहुत ज़्यादा है अभी तो, वैसे तो भैया के यहाँ तो पैदल ही पैदल जा रहे हैं, अभी धूप है फिलहाल तो क्या करना, जाना है तो जाना है। उधर सो चार खाओ। अच्छा भैया जी के पास से तो अब चल दिए भैया की तरफ ससुरपुर, तो उधर का जो अभी तो पैदल ही जा रही है। वाकई बहुत धूप है रियली। भैया के घर के रास्ते पे पड़ता है इधर ससुरपुर के रास्ते में श्लोक का स्कूल, तो इधर ही कोई श्लोक भी मिला। आज बड़े दिन बाद स्कूल आए, कितने साल बाद आए, कितने महीना बाद, 3 छुट्टियों के बाद से अब सीधा, वो भी 21 जुलाई को, 22 जुलाई के स्कूल भी गए। वहाँ पे जरा सा श्लोक का काम था ना, तो सारे काम निपटाते निपटाते क्योंकि आज जो है ना बड़े दिन बाद श्लोक स्कूल गया था। फिलहाल उधर का तो काम निपटाया, सर से बात की, और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी श्लोक को अपना क्लास नहीं पता कि किस क्लास में वो वाकई। तो अब जो है ना देखते हैं, अभी तो धूप तो बहुत है, फिर भी चलते हैं। कैसे मीट विद माय ब्रदर, कल दद्दा का वीडियो आया था काफ़ी अच्छा था वैसे, तो गाइस चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड ब्लॉग देखती गाइस। क्या कर रहे हो? ब्लॉग देखती मोटो आई से अबाउट रियल राजवंशी ब्लॉग, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वॉच द वीडियोस एंड आल्सो डू कमेंट्स। उधर को बाहर तो काफ़ी गर्मी है, तो फिलहाल अब इधर को आए तो आई उसके पास, ठंडी ठंडी आ गई वाइब्स। तो इधर गाइस मिलो, इधर मैगू। एई देखो ये ट्राईपॉड दद्दा लाए थे, और यहाँ पे फिर आयुष के साथ बातें हो रही थी और वीडियोस देख रहे थे, और यहाँ पे फोटोज दद्दा का साथ, ये देखो। तो यहाँ पे फिर भैया एडिटिंग कर रहे थे हल्का सा, फिर इधर को जो है ना वीडियोस देख रहे दद्दा, तो उधर से फिर निकले और यहाँ पे आयुष के घर से इधर को, तो धूप तो बहुत। इधर भैया के घर से तो निकल लिए, अब जो है ना चलते हैं घर, और वहाँ पर राज चौधरी आ रहा, राज चौधरी से मिलते हैं। फिलहाल अभी तो धूप बहुत है, 1:30 बजे हुए, चलते हैं। बस गाइस वैसे 1 बजे पैदल चलना धूप में वैसे बहुत टफ होता है, लेकिन क्या बताएं, मतलब साइकिल भी नहीं गाड़ी भी नहीं, तो मतलब चलना पड़ता है, और बस वही एक थोड़ी बहुत स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो विदाउट स्ट्रगल लाइफ क्या है, फिर भी वही चीज़ है ना। तो खैर हवा चल रही इधर को, तो खैर चलने में उतना कठिनाई नहीं, फिर भी पैदल ही पैदल जीवन यात्रा हो रही। अब देखते घर चलते, उधर राज आएगा, राज से मिलते हैं और देखते हैं आज क्या होता है, वैसे कुछ ट्राई करते बेटर। इधर घर तो पहुंच गए, फेस वॉश भी कर लिया, अब जो है ना देखते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उधर धूप से आए ना बिल्कुल हालत ख़राब है वाकई,
2 किलोमीटर तो है, 2 किलोमीटर 1-1.5 बजे इतनी धूप में पैदल आना वाकई मतलब थोड़ा सा ख़तरनाक काम है मेरे लिए, सबके लिए, फिर भी मेरे लिए नॉर्मल हो जाता है सब जब चलने लगते हैं, जब मूड बना लेते हैं चलने का कि चलने का, तो उधर को फिर मेरे लिए उतना टफ नहीं होता है कहीं भी। इधर फिर भाई के साथ यहाँ पे जा रहे हैं एक रिलेशन में, तो उधर से फिर उधर थोड़ा देखेंगे भाई के साथ थोड़ा मजा कर रहे हैं। तो अभी तो इधर हम पहुंचे जैतीपुर भाई, गांव जा रहे ना, इधर के व्यूज तो देखो कितने बढ़िया लग रहे ना, एकदम अलग ही लेवल के। यहाँ पे क्लाउड्स देखो, ये फेस ग्राउंड यहाँ पे पहुँच ही गए। फिर इधर आगे बागों में, तो इधर को जो ना फिर यहाँ पे आम तोड़ रहे हैं, चौसा आम जो होते हैं ना वही, मतलब काफ़ी रेयर आम, तो इधर को जो ना वही तोड़ रही है भाई अपना, और इधर को जो है ना देखो वो तोड़ रहे चौधरी, और इधर को वो भैया कैच कर रहा है, और इधर को काफ़ी बढ़िया था देखो तो जरा एक्सप्रेशन। तगड़ा से हम और चौधरी निकल लिए, बाइक ड्राइविंग कर रहे और इधर हम बैठे हुए। तो फिर इधर राज के साथ आ गए बंथरा, तो यहाँ पर देखो इधर मंदिर के पास खड़े हुए, तो स्कूल के पास, तो इधर को टैक्सी तो मिल गया, अब टैक्सी से घर चलते वापस। फिलहाल आज का दिन वाकई काफ़ी अच्छा रहा राज के साथ, और यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा आज धूप तो है यार वाकई, तो फिलहाल अब चलते इधर। ये तो मारक है, हम और प्रिंस राज जा रहे हैं भाई ग्राउंड पे, उधर भैंसी दिख रही है ना भाई, आगे निकल लेना तुम, चलते रहो तुम भाई, भैंसी नहीं है लौंडे मैच खेल रहे हैं, ना ना भैंसी ही है अबे, इधर को उधर को मैच है भाई भाई, क्या हम लोग नज़ारे लेते हुए। तो अब जा रहे हम लोग उधर को अपने खेतों की तरफ, फिलहाल जो है ना क्योंकि इधर का इवनिंग में व्यू बढ़िया रहता है ना, तो बस आंसू के साथ घूमने घूमने भाई, और चक्कर चलता हुआ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। अबे इधर तुम लोग कहाँ झाड़ेश्वर आ गए? अरे झाड़ेश्वर आए और कहाँ? ओह वी आर इन हरोडी ब्रो, आगे थे आगे 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 गाड़ी पसी गए बहुत आदमी। ये वाला व्यू देखो सनसेट एकदम सा, थोड़ा जूम करके देखो गाइस, ये देखो। तो इधर को जो सामने दिख रहा है ना ये नदी है, और सामने जो देख रहे हो ये जो रेड रेड दिख रहा है लाइन बाउंड्री, तो ये झाड़ेश्वर मंदिर है, काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है इधर का वाकई। आप अगर जो शहर से, तो आपको इधर का अलग ही मज़ा आने वाला है। आंसू देखो इधर का क्या व्यू है भाई, गंदगी एकदम मस्त है भाई। तो इधर को पीते स्ट्रिंग आयुष भाई अपना, इधर का भाई यार व्यू वाकई, हम लोग आज बहुत दिन बाद इधर को आए, मस्त लग रहा है ना भाई, आंसू अलग वाली फीलिंग आ रही है, एकदम समझ लो शांति पीसफुल वही तो बहुत ज़्यादा। इधर का एक तो सामने का गाइस ये जो आपको सामने दिख रहा है ना नदी, इधर का नदी का साइड का व्यू वाकई बहुत तगड़ा है भाई, और सामने सनसेट, एंड इधर गाइस इधर से मतलब हम लोग अब चलते हैं अब जो है। चलो चलो। तो इधर को अभी 10 बजे तो आंसू गया था उधर हॉस्पिटल, तो देखो सन्नाटा रोड पे, और जो है ना गाइस मिलो आंसू से, अभी इधर को 10 बजे तो हम लोग इधर रोड पे घूम रहे, तो सोच सकते हैं कि हम लोग कितनी ज़्यादा बड़े वाले हैं इधर घूमने वाले, तो मतलब 10:30 बजे जो घूम लें रोडों पर, तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल जो है ना अभी तो मतलब खाना खा के निकले और आंसू हॉस्पिटल से, तो भाई हम सोचे चलो थोड़ा बहुत टहलते इधर, आंसू के साथ घूमने में जो फीलिंग आती भाई अलग वाली एकदम। आंसू अच्छा, हम लगभग सारी इवनिंग पूरे महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, तो हमको लगता है 28 दिन तो साथ है, कंफर्म है ना।
कभी कदार कहीं हुए तो चले गए,